जनपद बागपत में जिलाधिकारी द्वारा शुगर मिल स्थित जूनियर हाई स्कूल तथा जिला सहकारी बैंक का किया औचक निरीक्षण। दरअसल जिलाधिकारी बागपत को स्कूल में लापरवाही तथा विद्यार्थियों की कम उपस्थिति की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बाल विद्यालय जूनियर हाई स्कूल शुगरमिल बागपत व जिला सहकारी बैंक चीनी मिल बागपत का निरीक्षण किया, जिसमें 2200 खातेदारों के खाते हैं, भवन की जर्जर स्थिति और शौचालय की अत्यधिक खराब स्थिति को देखकर नाराजगी व्यक्त की और इसमें सुधार करने के निर्देश दिए। बाल विद्यालय जूनियर हाई स्कूल में 70 बच्चे पंजीकृत हैं, जिनमें से 30 विद्यार्थी उपस्थित पाए गए। 7 अध्यापक कार्यरत हैं, जिनमें से 1 अध्यापिका उपस्थित पाई गई। बागपत से सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। बागपत चीनी मिल है, इसमें स्कूल भी चलता है पुराने समय से, और उसका उद्देश्य ये था कि जो मिल के जो रहने वाले कॉलोनी के लोग हैं उनके बच्चों को और आसपास के बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिल जाए। इसके क्रम में जो स्कूल यहाँ पे चल रहा है उसकी आज निरीक्षण के द्वारा किया गया है, वो स्थितियाँ संतोषजनक नहीं है दो कारणों से। एक तो ये कि इसमें 7 टीचर हैं और कुल मिला के 70 बच्चे पंजीकृत हैं और उसमें से भी 30 आए थे आज। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि इतना जो प्राइम लोकेशन पर है, कैंपस में है, बागपत चीनी मिल उसको मैनेज करती है, उसमें मात्र 70 बच्चे और 7 टीचर होना, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। दूसरा, इसी कैंपस में जो हमारा जिला सहकारी बैंक का जो कार्यालय है जिसमें करीब 2200 खाते हैं, उसका भवन भी काफ़ी जर्जर है और अन्य शौचालय और अन्य सुविधाएँ भी जो हैं काफ़ी ख़राब स्थिति में है। जिला सहकारी बैंक की भी जिम्मेदारी है और शुगर मिल ने जिसने भवन दिया उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस भवन को और शौचालय और सुविधाओं को इस लेवल का करे कि जो करीब 2200 खाता धारक हैं उनको किसी असुविधा का या दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। इसके लिए जो यहाँ के शाखा प्रबंधक हैं धर्मेंद्र सिंह और हमारे जो प्रबंधक चीनी मिल के हैं, दोनों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि दोनों में इम्प्रूवमेंट करें अगले 15 दिनों में, अन्यथा की दशा में कोई घटना दुर्घटना होती है तो शाखा प्रबंधक का भी और चीनी मिल का भी दायित्व इसमें निर्धारित।